दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हो तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मैंने अपने इस चैनल पर 100 से ज्यादा शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मैं अब इस चैनल पर भूल कर भी शॉर्ट्स वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोचता। और ऐसा भी नहीं है कि व्यूज नहीं आते। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं और कुछ कुछ वीडियो तो 1 मिलियन तक भी क्रॉस हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिन पर एक दिन में 15,000 व्यूज भी आ जाते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इस चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके बहुत सारे सब्सक्राइबर बना सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। रीजन बहुत शॉकिंग है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको शॉर्ट वीडियो क्यों अपलोड नहीं करने चाहिए और क्यों आपको शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करनी चाहिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। किसको अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने चाहिए और किसको अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो नहीं अपलोड करने चाहिए। तो पहले बात करते हैं डिसएडवांटेज की, लेकिन एडवांटेज भी सुन के जाना क्योंकि ये वीडियो सब लोगों के लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो अगर तुम भी यही सोच रहे हो कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके बहुत सारे सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लेता हूँ और इसके बाद जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो लॉन्ग वीडियो अपलोड करके पैसे छाप लूंगा, यही सोच रहे हो ना? तो आपको बताऊं, अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो किया है और सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए हैं तो तुम्हारे लॉन्ग वीडियो पर ना के बराबर व्यूज आएंगे। तुमने भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स को देखा होगा जिन पर शॉर्ट्स में तो मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन जब उनके लॉन्ग वीडियोस के सेक्शन में हम जाते हैं तो वहां पर उनके लॉन्ग वीडियोस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे होते हैं। ये चीज ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होता है, मेजोरिटी ऑफ शॉर्ट्स क्रिएटर के साथ यही प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर तुमने शॉर्ट्स वीडियो पर खुद का फेस वैल्यू बना रखा है और तुम्हारा कंटेंट एंटरटेनिंग है तो तुम्हारे लॉन्ग वीडियोस पर भी व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने रियल फूल चैनल को ही देखा होगा, और ऐसे बहुत सारे कॉमेडी चैनल हैं जिन्होंने शॉर्ट्स वीडियो से शुरुआत की थी लेकिन आज उनके मिलियंस में व्यूज लॉन्ग वीडियो पे भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। और सेकंड डिसएडवांटेज आपने देखा होगा कि जब भी हम शॉर्ट्स फीड में किसी वीडियो को देखते हैं और वहां से अगर हम सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर नोटिफिकेशन बेल नहीं होता है। इससे जब आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पर आपके नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, केवल आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में दिखाई जाएगी। लेकिन जब वहीं पर आपका कोई लॉन्ग वीडियो वायरल हो जाता है और उससे जो सब्सक्राइबर आपके गेन होते हैं तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। इसलिए आपके जितने भी सब्सक्राइबर शॉर्ट्स फीड से आए हैं, आप जब भी लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे तो उनको नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं। तो जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने वीडियो अपलोड करी है? तो अगर आपने भी मेरे इस चैनल को शॉर्ट्स फीड से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप नोटिफिकेशन जाके चेक करना कि आपने मेरा नोटिफिकेशन ऑन किया है या नहीं किया। अगर नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि मैं YouTube से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखो, अब बात करते हैं अर्निंग के बारे में। अक्सर हम लोग केवल अर्निंग के लिए YouTube पर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट्स से आपके चैनल पर मिलियंस में भी व्यूज आ रहे हैं तभी 1 मिलियन का 1,000 रुपया भी YouTube शॉर्ट्स से नहीं मिलता है। अगर मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस की बात करूं तो मेरे 15,000 व्यूज पर केवल 10 रुपए हमें मिले हैं, मतलब 1,000 व्यूज पर 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो भाई मैं इतने पैसे कमा के करूंगा क्या? और भाई अगर तुम शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो और ज्यादा पैसा अगर तुम कमाना चाहते हो तो तुम्हें फाइनेंस पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम फनी कंटेंट या फिर गेमिंग कंटेंट के वीडियो बनाते हो तो 1,000 से 1,200 व्यूज पर 1 रुपया मिलेगा। मतलब यूं कहें कि शॉर्ट्स वीडियोज में पैसा ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे चैनल पर डेली के 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तो फिर 500 से 600 रुपया आप आराम से कमा सकते हो रोजाना, लेकिन ये कुछ कुछ क्रिएटर के साथ ही होता है। नाउ लेट मी शो द एडवांटेज ऑफ शॉर्ट्स वीडियोस। अगर तुम्हारे शॉर्ट्स वीडियोस से पैसे नहीं बन पा रहे हैं और तुम्हारे हर वीडियोस पर अगर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है और यहाँ से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके हर वीडियोस पे व्यूज आने चाहिए। तो भैया ये है एडवांटेज, लेकिन सेकंड एडवांटेज ये है कि आपका चैनल रॉकेट की तरह उड़ेगा, मतलब सब्सक्राइबर इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। मैंने पिछले 1 महीने में अपने चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर बनाए, जो कि मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं केवल शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं। लेकिन कमाई के नाम पे बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं क्योंकि इससे चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो होता है और व्यूज भी भर भर के आते हैं। एडवांटेज नंबर 2, अगर तुम्हारे चैनल पर 0 सब्सक्राइबर भी है ना, तब भी अगर आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बना के डालते हो तो 100-200 व्यूज तो आराम से किसी भी शॉर्ट वीडियो पर बिना सब्सक्राइबर के भी आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोज में ऐसा नहीं होता। एडवांटेज नंबर 3, वैसे देखा जाए तो शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत ही आसान होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियो। तो अगर आप लोग चाहो तो दिन में 5 शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग वीडियो की बात करें तो एक दिन में एक ही लॉन्ग वीडियो आप बना सकते हो, अगर उसमें बढ़िया एडिटिंग और 5-7 मिनट का वीडियो हुआ तो। अब आते हैं उस टॉपिक पर कि शॉर्ट वीडियो आपके चैनल को कैसे बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों एक साथ अपलोड करते हो तो क्या होगा? अब इससे क्या होगा कि आपके चैनल पर 2 तरह के ऑडियंस बन जाएंगे,
एक ऑडियंस लॉन्ग वीडियो का और एक ऑडियंस शॉर्ट वीडियो का। अब जो लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं वो तुम्हारे लॉन्ग वीडियो को नहीं देखेंगे, और जो लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं वो तुम्हारे शॉर्ट वीडियो को कभी नहीं देखेंगे। अगर मान लीजिए तुम्हारे शॉर्ट्स वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो तुम्हारे जो लॉन्ग वीडियो है वो तुम्हारे डेड सब्सक्राइबर वाले हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो के जो सब्सक्राइबर हैं वो तुम्हारे लिए लॉन्ग वीडियो में डेड सब्सक्राइबर हैं, मतलब वो लोग तुम्हारे चैनल को विजिट नहीं करेंगे, तुम्हारे लॉन्ग वीडियो को नहीं देखेंगे। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि ये वीडियो तुमने बहुत ही बेकार बनाई है और इसके इंप्रेशन दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा, और इससे तुम्हारा चैनल डाउन से डाउन होता चला जाएगा। और मान लीजिए तुम्हारे शॉर्ट्स वाले चैनल पर लाखों में सब्सक्राइबर हैं और लाखों में व्यूज आते हैं, लेकिन वहीं अगर आपने लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दिया तो उस वीडियो पर 100-200 व्यूज से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इससे यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो बेकार है। आपने देखा होगा जितने भी पॉपुलर क्रिएटर हैं उनका शॉर्ट वीडियो का चैनल अलग है और लॉन्ग वीडियो का चैनल अलग है। जब इंडिया में यूट्यूब की तरफ से शॉर्ट्स को लॉन्च किया गया तो बहुत सारे क्रिएटर लॉन्ग वीडियो को छोड़कर शॉर्ट्स में अपना करियर आजमाने लगे। शुरू में शॉर्ट्स पर रीच काफी ज्यादा थी, काफी लोगों को काफी अच्छे स्पॉन्सरशिप मिले, काफी अच्छा पैसा उन्होंने कमाया। बहुत सारे ऐसे चैनल भी थे जिन्होंने शुरू में शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए लेकिन आज उनके चैनल पर 100 व्यूज भी नहीं आते। और इतने व्यूज डाउन होने का कहीं ना कहीं एक ही कारण है, शॉर्ट वीडियो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपके चैनल पर 100-200 व्यूज भी अगर आ रहे हैं लॉन्ग वीडियोस पर तो अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो डालकर अपने चैनल को बर्बाद बिल्कुल भी मत कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे सब्सक्राइबर बेस तो आपका बढ़ ही जाएगा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि यूट्यूब पर हम अक्सर पैसा कमाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। अगर आपको लंबा चलना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको लॉन्ग वीडियो पर ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाकर कुछ दिनों का फेम हासिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप लंबा टिकने वाले नहीं हो। आपने देखा होगा मिस्टर बीस्ट का जो यूट्यूब चैनल है, मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग वीडियो का एक अलग चैनल है और मिस्टर बीस्ट शॉर्ट्स का एक यूट्यूब चैनल अलग है। तो कुछ बड़े बड़े क्रिएटर कुछ ना कुछ सोच कर ही तो काम करते होंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप कौन सा वीडियो आगे से बनाओगे। दोस्तों अगर आपको चैनल ग्रो करने से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और लास्ट में ज्ञान की बात यही है, अगर तुम्हें लॉन्ग वीडियो से अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है तो केवल लॉन्ग वीडियो पे फोकस करो, और अगर तुम्हें शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो केवल शॉर्ट्स पर फोकस करो। दोनों मिक्स कंटेंट नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट करोगे तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा और आप यूट्यूब पर थोड़े दिन काम करके चले जाओगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।